छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 16 महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में बस्तर में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। एक के बाद एक विपक्ष और पक्ष के नेता लगातार बस्तर का दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के उद्योग मंत्री और बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा पिछले दो दिनों से यहां डेरा डाले हुए हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के साथ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मेल मिलाप कर रहे हैं। इसी बीच बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी अपने 5 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अरुण साव का ये पहला बस्तर दौरा है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी उनके साथ पहुंचे हुए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष विजय चंदेल और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने क्या कहा सुनिए। 5 दिवसीय बस्तर संभाग के दौरे पर हम निकले हुए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी और हमारे बस्तर संभाग के सभी प्रमुख नेता इस दौरे में साथ होंगे। प्रदेश अध्यक्ष हमारे नए बने हैं और नेता प्रतिपक्ष का भी दायित्व पार्टी ने हम लोगों को सौंपा है। परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम और प्रजातंत्र की खूबसूरती और लोकतंत्र की मजबूती। और हमारी पूरी नई टीम आपने देखा होगा कि बीजेपी की हमारी प्रदेश की भी जो टीम बनी वो नहीं है। आज बोर्च जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आया है, प्रतिपक्ष नेता भी आया होगा। ये पहले नया नया में जब नया शादी होते है तो सौगात भी अच्छे ही होते है, तो इसलिए नया लोग आने से इन लोग बस्तर के लोग जानते हैं क्या, बस्तर का भौगोलिक को जानते हैं क्या, इसलिए नया लोग को आया सौगात हुआ।